वेलकम टू जज्बात पावर्ड बाय लक्स। हमने जज्बात में अब तक दोस्ती का जज्बात देखा, हमने प्रेमियों का जज्बात देखा, हमने पतियों और पत्नियों का जज्बात देखा है, हमने माँ बाप और बच्चों का जज्बात देखा है, लेकिन जो अब तक नहीं देखा है वो हम आज देखेंगे। आज जज्बात में जो दो सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, उनका प्यार तो टूटा मगर साथ नहीं छूटा। प्लीज वेलकम द वेरी गॉर्जियस एंड वेरी टैलेंटेड नारायणी शास्त्री and the very dashing and supremely talented Gaurav Chopra. Saanson ko saanson mein dhalne do zara. La 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 la. Saanson ko saanson mein dhalne do zara. Dheemi si dhadkan ko badhne do zara. लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए गेम खेलते हैं। गेम का नाम है ये या मैं। ये okay. या ये या मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको बताना है कि वो चीज ये कर सकती है या मैं कर सकता हूं। ठीक है। कौन अपने पार्टनर के टूथब्रश से ब्रश कर सकता है? तो आप दोनों मैं बोल रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहे हैं। हाँ। यानी कि कभी एक दूसरे का टूथब्रश शेयर किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। एक्चुअली मैं उंगली यूज कर लेती हूं अगर मैं टूथब्रश नहीं होता तो। हां, दैट इज द बेस्ट। नाउ एक्चुअली मैंने किया नहीं है बट मैं कर सकता हूं। आप दोनों के रिलेशनशिप टूटने की वजह कौन था? मैं जिम्मेदारी उठा लूंगा। ये और मैं दोनों अपने पार्टनर के साथ होने पर भी गलती से अपने एक्स का नाम कौन ले सकता है? वेरी मच मुन्ना, ये क्वेश्चन आपके लिए। सॉरी, मैंने मुन्ना क्यों बोला? हाँ, he's good, he's good, चलो। मुन्ना, वेल डन। मैंने मुन्ना क्यों बोला? क्योंकि उनका नाम है घर में। वेल डन। आपका नाम मुन्ना है घर पे? कितना बड़ा मुन्ना है देखिए। सभी को पता चल गया। तो आप ऑलरेडी अपनी मम्मी मम्मी की कहानी सुनाते हो, मुन्ना मुन्ना कर चुकी है। पर ये मुन्नी होना चाहिए, मुन्ना कैसे हो गया? कब हो गया? ये मुन्ना ही है। क्योंकि मैं आई वाज अ टॉम बॉय, इतने छोटे से बाल होते थे, गंजी और शॉर्ट्स पहन के। ये मेरा रंग एक्चुअली, मैं बहुत गोरी थी, ये धूप में खेल खेल के हुआ है। मैं सिर्फ खेलती रहती थी, दैट्स इट। Your USP, so, you know, na? My dusky yeah. color, see, जो होता अच्छे के लिए। किसके साथ खेलती थी आप? मेरे जो दोस्त होते थे, जो गैरेज के हमारे शेनप्पा अंकल थे, उनके बहुत सारे बच्चे थे, और जो हाउस हेल्प होती है हमारी, तो उनकी जितनी भी इस एरिया की हाउस हेल्प थी, उसके पीछे हमारी बिल्डिंग के पीछे उनकी चौल थी। तो वो सारे बच्चे, वो हमारी बहुत बनती थी, क्योंकि हमारा सिर्फ एक फोकस था, मिलके खेलो। तो कभी कभी उनका काम जल्दी हो जाए और हम जल्दी से खेल सके, तो मैं उनके साथ चली जाती थी और उनके साथ बर्तन, झाड़ू पोछा ये सब कर देती थी। अब मम्मी को तो सब जानते थे, तो एक बार कंप्लेन आ गई थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये बर्तन क्यों कर रही हो उनके साथ में? तो मैंने बोला ऐसे, अब इतने छोटे थे, हमको पता ही नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है। तो मम्मी को फोन करते थे कि आपकी बेटी देखिए ऐसे ऐसे करी, मम्मी बोलती थी हाँ ठीक है, इट्स ऑल राइट, उसको जो करना है कर लीजिए। पर जिंदगी एक्चुअल में चौल वगैरह में है ना। कितनी खूबसूरत जिंदगी जीते, लवली लाइफ, सिंपलिसिटी में। देयर इज नो चिकमिक। अगर हम अपनी जिंदगी में रिश्तों को काटते जाएंगे तो सोचिए हमारी दुनिया कितनी छोटी होती जाएगी, कितना अकेला महसूस करने लगेंगे। तो किसी रिश्ते को काटने की जगह अगर हम उसे प्यार के धागे से सिल दें और उस रिश्ते को नया रूप दे दें, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी।